हाय एवरीवन, होप यू वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी तड़का, #UKVlogs। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज मैं जाऊँगी शॉपिंग को, तो ये है वेस्टफील्ड की शॉपिंग वीडियो पार्ट टू। पार्ट वन मैंने अपलोड कर दी है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये यहाँ की वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी, जो नीचे ट्रेन्स नज़र आ रही थी वो, तो ये वही वीडियो मीन्स वहीं से मैंने स्टॉप की थी और वहीं से मैंने पार्ट टू स्टार्ट किया है। तो यहाँ से जाते हुए की भी मैंने थोड़ी सी वीडियो ले ली थी। तो ये मॉल की तरफ जाते हुए की वीडियो है और नीचे रोड्स है, फिर एक साइड पे स्टेशंस भी है, तो सारी ट्रेन सब कुछ दिखता है। अब ये वेस्टफील्ड शॉपिंग मॉल के बाहर की वीडियो है और ये M&S है। यहाँ की कुकीज़ हैं, मफिन्स हैं, बहुत ही अच्छे आते हैं और बहुत ही फ्रेश होते हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे कुछ 450 शॉप्स है, जहाँ तक मुझे पता है 450 शॉप्स है यहाँ पे, और काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे मतलब सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है और अंडर वन रूफ हमको मतलब सब कुछ मिल जाता है। ये पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मैं आगे शॉप्स बताऊंगी, थोड़े बहुत ब्रांड्स भी बताऊंगी, तो ये पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है। और ये आ गया है अब TK Maxx। यहाँ पे सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, ब्रांडेड हैंडबैग्स है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी, स्टेल ऑर्डर है, शैनल है, लीज अर्ली है, और भी सब बहुत ही हाई एंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पे सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है। मैं शॉप्स का मैं बाहर से ही लुक बता दे रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो ऐसा समझे कि विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं आप। और ये राइट हैंड साइड पे ये अच्छी बैठने की जगह है, तो यहाँ पे मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज नहीं थी, तो सब बस अपना एंजॉय करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स है, कॉफ़ी है, टी है, ये सब बस एंजॉय करते हैं। और ये फेथ रूम है, मल्टी फेथ रूम है ये। यहाँ पे वेस्टफील्ड में अंदर साइड, मॉल के अंदर साइड एक दो फेथ रूम हैं, बट वो काफ़ी छोटे हैं, तो शायद अभी इन लोगों ने बड़े मतलब बड़ा बना लिया है। तो यहाँ पे सारे मज़हब के लोग आते हैं और बस मतलब अपने मज़हब के हिसाब से जो भी करना हो वो करते हैं। यहाँ पे नमाज़ भी होती है, जमात भी होती है, तो यहाँ पे जब शॉपिंग को आते हैं तो वो भी मिस नहीं होता है, नमाज भी मिस नहीं होती है, तो अपने अपने मज़हब के लोग बस अपना अपना यहाँ पे करते हैं। और ये है डोनट टाइम, और यहाँ के डोनट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, फ्रेश होते हैं। ये सामने है अरमानी एक्सचेंज, और यहाँ पे राइट हैंड साइड फिर से मतलब छोटा अच्छा सा बैठने का है, तो यहाँ पे भी काफी पब्लिक होती है, लेकिन आज नहीं थी, क्या पता सब शॉपिंग में बिजी हो गए। और ये आगे राइट हैंड साइड पे जो दिख रहा है, अभी मैं बताती हूँ, ये जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं वो डाउनस्टेयर्स की है,
तो डाउनस्टेयर्स पार्किंग है ये, मतलब मॉल जैसे मैंने पहले कहा था काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग जगह पे पार्किंग के सीढ़ियाँ दी हुई है पार्किंग की तरफ जाने के लिए, तो ये भी उनमें से एक है। और ये बस अब मैं मॉल में एंटर हो रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन जो शॉपिंग एंजॉय करते हैं उनको बड़ा मज़ा आएगा देख के। और ये है हुगो बॉस, यहाँ पे उसका भी काफ़ी बड़ा स्टोर है। अर्बन आउटफिट्स, और ये अर्बन आउटफिट्स के अंदर ही ये थे आर्टिफिशियल प्लांट्स, लेकिन मैंने बाहर से ही इसका व्यू लिया है। और ये एक साइड पे है ट्रू रिलीजन, शायद वो भी क्लोज हो गई है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। और ये है टेड बेकर, टेड बेकर के भी अच्छे परफ्यूम्स और सब, मतलब उसका भी सब अच्छा मिल जाता है। और यहाँ पे एक साइड पे लेकोस्ट है, उसकी भी शॉप काफ़ी बड़ी थी। ये फुटेशियम आ गया, और यहाँ पे बाहर ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं परफ्यूम के, होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, होते हैं ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स, समवॉट स्टॉल्स जैसा होता है छोटा छोटा, तो वहाँ पे भी सब परफ्यूम्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स सब मिल जाते हैं। इत्र है, जो मस्क इत्र आता है वो भी मिल जाता है यहाँ पे। और ये है टू फेस्ड, ये भी मेकअप इसके भी काफ़ी अच्छे आते हैं, इसकी लिपस्टिक्स अच्छी आती है, और इसका डेकोरेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब सब पिंक पिंक अच्छा लग रहा है। और ये है, मतलब यहाँ पे मेल फीमेल दोनों शू मिलते हैं, जो फॉर्मल शूज़ होते हैं वो। और यहाँ पे साइड में परफ्यूम शॉप भी थी, और वहाँ पे भी परफ्यूम्स काफ़ी अच्छी ऑफर्स में मिल जाती है, जब क्रिसमस होता है तो और भी ज़्यादा ऑफर्स आती है उसमें। विदाउट क्रिसमस भी आती ही है, लेकिन जब क्रिसमस होता है तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑफर्स आती हैं। अभी ये बाहर डिस्प्ले में थोड़ी बहुत ज्वेलरीज रखी हुई है, तो मैं वो भी देख लेती हूँ कि पता चलता है क्या मार्केट में चल रहा है। तो आज की वीडियो है नो कुकिंग ओनली शॉपिंग वीडियो। और ये है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है।
ये है मॉफी, और यहाँ पे भी अभी 40% ऑफ कुछ चल रहा था मेकअप्स में, और इसकी भी लिपस्टिक्स बहुत अच्छी आती है। हाँ और ये जो शॉप है इसका डेकोरेशन मुझे बड़ा पसंद आया था, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है ये। वीडियो में तो नहीं पता लेकिन रियल में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और ये है पेन एंड आइस, और यहाँ पे आइसक्रीम रोल कर करके दे रहे थे, जो भी फ्लेवर की आइसक्रीम खानी हो वो आइस प्लेट के ऊपर आइसक्रीम बना के देते थे। तो इसकी भी काफ़ी लंबी लाइन थी, अगर बाहर समर है तो इसकी लाइन उतनी ही लंबी होती है, विंटर्स में तो आई डाउट कोई नज़र आए यहाँ पे। फिर ये किको मिलानो, इसकी भी लिपस्टिक्स बहुत ही अच्छी है, बहुत ही क्रीमी लिपस्टिक्स आती है इसकी, मुझे इसकी लिपस्टिक्स बड़ी पसंद है। और ये है मैक, इसका इंटीरियर बहुत ही कलरफुल है, उसकी लिपस्टिक्स में जितने शेड्स अवेलेबल होते हैं, जितनी वाइड रेंज में अवेलेबल होते हैं, उतनी ही कलरफुल उसका इंटीरियर है, तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। बस यहाँ पे सब अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई क्या तो कोई क्या, बस सब अपना बस एंजॉय कर रहे हैं। और ये नीचे साइड है बच्चों का प्लेइंग एरिया है, तो जब भी बच्चे शॉपिंग करते हुए बोर हो जाते हैं तो बस यहाँ पे लेके आ जाओ, तो उन लोग खेल लेते हैं। बच्चे को हम मतलब बच्चों को हम कितना भी शॉपिंग को ले जाए लेकिन उनको बस उनकी ही चीज़ें पसंद होती है, जैसे पार्क्स है और कोई वाटर वाली कोई जगह है, बस उनको उनके हिसाब से ही अच्छा लगता है, वो शॉपिंग में बड़े बोर हो जाते हैं। अब मैं ये थर्ड फ्लोर पे आ गई थी, सामने सॉरोस की है, और ये सॉरोस की में तो समझो कि जब क्रिसमस आता है तब तो इसके बाहर तो लाइन लगती है, मतलब ऑफर्स भी बहुत ज़्यादा होती है और पब्लिक यहाँ पे मतलब सॉरोस की बहुत यूज़ करती है, तो उस वक्त सब लोग बाई भी बहुत करते हैं। और ये है प्रेटसिल्स, इसकी जो शुगर एंड सिनेमन फ्लेवर वाली आती है वो मुझे बड़ी पसंद है, मतलब काफ़ी अच्छी लगती है,
काफ़ी और भी सब फ्लेवर्स में आती है, लेकिन मुझे शुगर और सिनेमन वाली ज़्यादा पसंद है। और अगर इसके साथ चाय हो जाए और चाय मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाता है, क्योंकि मीठे के साथ चाय पसंद है तो, और गरम गरम ये होता है तो अच्छा भी लगता है खाना और उसके साथ चाय। ये एप्पल का शोरूम है ये। ये अब हॉलीस्टर आ गया, और ये हॉलीस्टर के जैकेट्स तो मतलब जो विंटर कोट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं, कलर्स भी उसके अच्छे होते हैं, और मतलब वॉर्म भी बहुत होते हैं, तो काफ़ी अच्छे आते हैं इसके, और 100% रिसाइकल भी होते हैं इसके जैकेट्स। ये रिवर आइलैंड है, और यहाँ के भी हैंडबैग्स हैं, यहाँ के क्लचीज़ हैं, अच्छे अट्रैक्टिव आते हैं, और यहाँ की कोट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, विंटर कोट्स। आई होप आप सब बोर नहीं हुए होंगे, वीडियो काफ़ी लंबी थी, लेकिन आई होप आप सब बोर नहीं हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूंगी फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।